तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग फिन बात करने वाले मॉन्स्टर एनकेवाईटी की। गाइस मैं मॉन्स्टर एनकेवाईटी में फिन वीडियो बनाना नहीं चाहता। मेरा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करते हुए बोला मॉन्स्टर एनकेवाईटी को मैं बहुत सारा हैकर के साथ खेलते हुए देखा। आपने जो पहला वीडियो मेरा नहीं देखा जो मॉन्स्टर एनकेवाईटी पर मैंने बनाया, तो वीडियो के ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ वो वाला वीडियो का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको क्लिक करके आप लोग इजीली देख सकते हो। आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे हमारे मॉन्स्टर एनकेवाईटी हैकर को सपोर्ट करके आगे बढ़ा। एंड गाइस इन्हीं लोग यूट्यूबर के चलते जो हमारे पबजी रेड कम्युनिटी के सबसे छोटे छोटे यूट्यूबर है जो लोग मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एंड गाइस यही मॉन्स्टर एनकेवाईटी कुछ ही दिन पहले टूर्नामेंट कराया था जिसका नाम था आईवी ग्लोबल चैंपियनशिप। एंड गाइस प्राइस की बात करें तो उस टूर्नामेंट का प्राइस था 15K, जहां पर कोबरा भाई एक एनमी को इतना ज्यादा कवर में गंदा स्प्रे देते थे, एनमी किल हो जाता वो बंदा पीएबी क्लेम कर देता है कोबरा भाई के ऊपर। बात ये नहीं पबजी लेट कम्युनिटी में मॉन्स्टर एनकेवाईटी ने टूर्नामेंट कराया, बात ये जितना अच्छा एनकेवाईटी का संबंध है हैकर के साथ पबजी लेट कम्युनिटी में, शायद ही ऐसा किसी भी यूट्यूबर के साथ संबंध हो। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है यहाँ तक अगर पसंद आ रहा है देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे बहुत सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देर किस बात का, लाइक बटन दबा देना। अब इंट्रो लगाते हैं, बिना किसी वेट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मॉन्स्टर एनकेवाईटी कभी अपने वीडियो में बोलते हैं अगर आपका आईडी रियल निकली तो आप 5 से 10 हजार जीत सकते हो। अगर मैं इसको सीधे भाषा में बोलूं, अगर आपके पास बोट लोबी वाला आईडी है तो आप 5 से 10 हजार जीत सकते हो। मॉन्स्टर एनकेवाईटी का यही कहना था, लेकिन आप लोग एक बात बताओ 5 से 6 हजार में कौन खरीदेगा आईडी? कोई नहीं खरीदेगा भाई साहब। लेकिन कोई हैकर हो जो की बहुत ज्यादा जरूरत हो, बोट लोबी मैचिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके पास आईडी ना हो तभी वही खरीद सकता है। एंड गाइस आप लोग सोच सकते हो वो बंदा किस लिए वीडियो बनाया था? वो बंदा हैकर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाया था। किसी हैकर के पास आईडी उडी घटा होगा, बस वीडियो बना दिया। सफेद तो भी तो फालतू में ही बदनाम है। असली राजनीति चलते हमारे पबजी लाइट कम्युनिटी में। जिसको समझ में आ गया हो बहुत अच्छा बात है, जिसको नहीं समझ में आया हो जाके कार्टून नेटवर्क देखो। और गाइस मान लो आपके पास वैसा ही आईडी है जैसे मॉन्स्टर एनकेवाईटी ने वीडियो में बताया, तो आप क्या करोगे? मॉन्स्टर एनकेवाईटी इंस्टाग्राम पर जाओगे, बोलोगे जैसे आपने आईडी बताया वैसा ही मेरे पास आईडी है। गाइस आप लोग बोलोगे मुझे ये आईडी को सेल करना है, लेकिन जितना प्राइस वो वीडियो में बताया उतना प्राइस में वो नहीं लेगा, बहुत ही कम प्राइस में आपसे ले लेगा वो। एंड गाइस उस आईडी में बोट लोग भी सपोर्ट करता है, तो वो आईडी किसको देगा? एक हैकर को देगा जिससे खेल के वो सर्वर लिस्ट में जा पाए। एंड गाइस इतना ही नहीं, जो मॉन्स्टर एनकेवाईटी के बॉडी में खड़ा मॉन्स्टर किंग, उसने तो बोट लोबी के ऊपर वीडियो भी बना चुका है, उसका चैनल का नाम था S12KingYT। लेकिन अब S12KingYT के चैनल पर जाओगे तो वो वाला वीडियो को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वीडियो को डिलीट कर दिए या वीडियो को प्राइवेट करके रखे हैं। अगर गाइस मैं बोलूंगा सीजन 12 में मॉन्स्टर एनकेवाईटी का एक आईडी बैन भी हुआ है हैक यूज करते समय, तो आप लोग विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। चलो मैं सबूत दिखाता हूं, परमानेंट वो भी आईडी बैन हुआ है मॉन्स्टर एनकेवाईटी का। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मॉन्स्टर कर्नल का एक बंदे ने दिया। गाइस ये आईडी, इस आईडी का नाम है मॉन्स्टर एनकेवाईटी। और गाइस सबसे पहले बता दें ये कोई रियल आईडी नहीं है, इनका सेकंड आईडी था जो कि हैक यूज करते समय सीजन 12 में बैन कर दिया गया। एंड आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, उस आईडी में एक एम ग्लेशियर भी था, आप कैसे लगा लेते इतना महंगा महंगा आईडी पर हैक? खैर ये सब बात छोड़ो, हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं। मॉन्स्टर एनकेवाईटी का एक क्लैन का बंदा जो क्लैन का एलीट मेंबर है, वो एक हैकर को प्रमोट करते हुए बोलता है 20K सब्सक्राइबर कमिंग सून अपने आईडी के। वो बंदा सीजन 8 में एशिया के सर्वर पर सर्वर लिस्ट में नंबर 1 पर रहा है। मॉन्स्टर क्लैन के एलीट का बंदा ऐसे ऐसे अपने बायो में बंदे को प्रमोट करता है जो कि एशिया सर्वर पर नंबर 1 पर रह चुका है, सोलो में ऐसे ऐसे बंदे को प्रमोट करता है। ये बात कैसे भूल गया, जैसा गुरु वैसा ही चेला। एंड गाइस मॉन्स्टर क्लैन का एलीट का बंदा जो बायो में प्रमोट किया जिस बंदे को, वो वाला बायो दिखा देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे जिसको प्रमोट किया उसके बारे में। गाइस सबसे पहले इस मॉन्स्टर क्लैन के बंदे के बायो देखो, जिसमें प्रमोट किया है DJYT, जिसमें लिखा है YouTube INB DJYT 20K। एंड गाइस जो सीजन 8 में जो टॉप पर बंदा बैठा है उसका नाम है डीजे, वही डीजे को प्रमोट कर रहा था हमारे एनकेवाईटी के जो लाइट मेंबर है क्लैन का, वही। और गाइस ये सोलो में बंदा था एशिया के सबसे नंबर 1 पर, इसने चैनल भी बना रखा था जिसका नाम था DJYT, लेकिन इसको बाद में नाम चेंज कर दिया गया और लिख दिया INB DJYT। एंड गाइस अभी इनका सब्सक्राइबर की बात करो तो 17 के आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और गाइस मॉन्स्टर वाले इसको 20K जल्दी से जल्दी कराने में लगे, क्या राज कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन हमको ये बात पता है दाल में कुछ ना कुछ काला है। चलो ये सब बातों को साइड में रखते बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। आप लोग देख सकते हैं जो सर्वर लिस्ट पर लोगो लगाया है, जो इनका यूट्यूब चैनल का लोगो लगाया, दोनों सेम है। अरे भाई अब तो चेंज कर ले यार। उसका इसका केडी की बात करें, जब सोलो नंबर 1 बताइए बंदा, तो इसका केडी था 64 का। एंड गाइस इसके बॉडी में खड़ी थी कोई रीति नाम का लड़की, इसको भी मैंने बहुत बार कॉन्करर में देखा है, स्कॉड में देखा, इसको मैंने बहुत बार कॉन्करर। एंड गाइस आपको इसका भी केडी दिखा देता हूं, इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा बात बताऊंगा, पहले इसका केडी देख लो। गाइस वीडियो का क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना। इस बंदे के स्कॉड में जाओ केडी देखो कितना है, 97.70 का केडी है, 338 मैच स्टार्ट हो चुका है इस आईडी पर। तुम्हारा भाई उस कैरेक्टर आईडी के नाम को कर लिया, को भी अब करेगा यहाँ पर पेस्ट।
तो गाइस सबसे पहले हम लोग नंबर पेस्ट कर लेते हैं जो हम लोग ने कॉपी किया है। जैसे ही सर्च करोगे उसका आईडी तो ये देखो क्या आ रहा है भाई, मतलब क्या आ रहा है, INBDJYT, ठीक है, INBDJYT आ रहा है, नाम चेंज हो गया यार। चलो सबसे पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ वही आईडी है। तो देखो मैं सीजन 8 में जाता हूँ, आपको बताया था मैं ये वाला, मतलब ध्यान से देख लेना। सीजन 8 में क्या स्कॉट में दिया, देखो केडी की सेम के सेम है और मोज जो स्टार्ट हुआ है वो सीधे सेम के सेम है यार। और इसने सीजन 7 में भी काउंट किया था, हाँ स्कॉट में सीजन 7 में भी काउंट कर किया था। और देखते हैं क्या होता है सीजन सेवन में और सीजन 8 में ये बंदे ने काउंट किया था। और नाम क्या था आईडी का, मतलब जो डीजे के साथ कनेक्ट था ना उसका नाम था श्रीति, यहाँ पर पूरा नाम ही चेंज हो गया। और कैसे आप लोग देख सकते हो हमारे पबजी लाइट कम्युनिटी में कैसे कैसे बंदे हैं जो कि हैकर को सपोर्ट करते हैं, मोस्टर जैसे बंदे हैं, इन लोग को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। यहाँ पर हमारा छोटे यूट्यूबर दिन रात मेहनत करके यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, घंटा उनका चैनल ग्रो नहीं होगा। ये जो डीजे बंदा है ये बहुत दिन सर्वर लिस्ट पर नहीं रहता, वन नंबर पर नहीं रहता सर्वर लिस्ट पर था, क्योंकि इनका माइनस लग गया था। एंड गाइस मैं सोच रहा एक बार इसका भी आईडी चेक कर लेना चाहिए। गाइस मैंने जब इस बंदे का आईडी चेक किया जिसका नाम था DJYT, नाम चेंज करके ये नाम रख दिया गया। जैसे कि आपको बताया था डीजे का माइनस लग गया, तो ये देखो माइनस लग गया और इसका केडी है सीजन 8 में 39 का केडी हो गया। एंड गाइस मैंने सारा का सारा मोस्टर NKYT का सच बता दिया गया, कोई नासा के साइंटिस्ट भी रिसर्च करता तो इस सच को बता नहीं पाता, लेकिन तुम्हारा भाई ने रिसर्च करके बता दिया। इस बात पर एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस मोस्टर NKYT हमारे पबजी लाइट कम्युनिटी को बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे बंदे को सपोर्ट करना बंद करो जो कि अच्छा वीडियो बनाता है उनको सपोर्ट करो। और गाइस मेरा वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, जाके एक बार प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि हो सके तो मैं उस भी टॉपिक पर वीडियो बना दूं। एंड गाइस वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार बोल देता हूं जो कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोला था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कर ही देना। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।